श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मंगल मूर्ति नमः। जो बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुन जासु बचन रवि करनि कर ससुर नर मुनि को नाही जेहिन मोह माया प्रबल अस बिचारी मन माही भजिय महामाया पति। तो यह शरीर धारण करने वाली जितनी व्यवस्था है, चाहे वो देवताओं का हो, चाहे मुनियों का हो, चाहे मनुष्यों का हो, ऐसा पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। तीन लोक 14 भुवन में ऐसा कोई नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तक नहीं जिनको मोह माया न हो। इसलिए ऐसा विचार करके अब भजन करना चाहिए महामाया के पति जो है। जब उनको भजन करेंगे तब बिल्कुल जो है उनके में मिल जाएंगे। भजने का अर्थ ही होता है कि उनका अनुसरण करना। जी, जितना हम कहते हैं कि हम भजन करते हैं, भजन का अर्थ है अनुसरण। भजन का अर्थ खाली जो है वो बैंजो के साथ गाना नहीं, उनका अनुसरण करना। तो अनुसरण तो लोग नहीं करते, बस खाली रोज बोलते हैं कि प्रभु सब कुछ है तेरा, कह तो देते हैं और जब कह के बाहर निकलते तो कहते हैं मेरा सामान आया नहीं क्या, तब मेरा हो जाता है। जब एक बार तेरा हो गया तो तेरा माने तेरा, अब मेरा का जगह वहां रहा ही नहीं। हम रोज सुनते शाम को हमको बड़ी हंसी आती है, रोज भजन यही करते हैं। अब उसी का अनुसरण अगर कर ले, यह शरीर धन घर संपत्ति सब उनका है, हम तो सिर्फ सेवा के लिए है। अब यह भाव आ जाए कि सब कुछ उन्हीं का है, अपना कुछ नहीं, मैं ही कुछ नहीं हूं तो मेरा कहां से हुआ। अब मैं को हटा देना और सब उन्हीं का है इसी में मिला देना मन की अवस्था को, यही तो पुरुषार्थ है। तो गाते सब है, रोज गाते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन वो सब कुछ खूब गाते हैं, लेकिन अब वही काम कर नहीं पाते हैं। तो अब देखिए प्रभु कि यहां तक तो जो नारद जी साहब दिए शंकर जी के दोनों गणों को, तो उनके लिए तो एक बार विष्णु अवतार हुआ। अब यहां से बड़ी गूढ़ रहस्य शुरू हो रहा है कि अब वह ब्रह्म जो अजन्मा है, अरूप है, मायादि रहित है, इच्छा रहित है, जो श्री राम जी के अवतार के रूप में एक ही बार मात्र अभी तक उनका अवतार हुआ है, तो उनका अवतार के लिए, क्योंकि अब शंकर जी बात कह रहे हैं कि अपर हेतु सुनो शैल कुमारी कहूं विचित्र कथा विस्तारी अजेहि कारण अजे अगुण रूपा ब्रह्म भयो को सलपुर भूपा। अब श्री प्रधान जी आप बड़े निर्मल मन से
और बहुत ही सावधान होकर के सुने। भगवान शंकर भी कह रहे हैं पार्वती जी से कि गिरिराज कुमारी, अब यह भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो कि मैं उनकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ कि किन जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी में राजा हुए हैं। तो बता रहे हैं कि जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा बंधु समेत धरे मुनिवेशा जसु चरित अवे लोकी भवानी सती शरीर रही हूँ बौरानी। साफ साफ कह रहे हैं कि जिन प्रभु रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा भेष धारण किए हुए वन में फिरते देखा था, और ये भवानी जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी। अब देखिए सती के शरीर में बता रहे हैं भगवान शंकर कि तुम बावली हो गई थी। जी तो अजहुन छाया मिटती तुम्हारी ता सुचरित सुनु भ्रम रुजहारी। अब भी अब देखिए इतनी तपस्या करने के बाद जब पार्वती बन के शादी की है फिर करे अब भी तुम्हारी उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण होने वाला वह चरित्र सुनो। अब वही बात मैं भी कह रहा हूं कि प्रधान जी आप इस बात को बहुत ध्यान से सुने क्योंकि अब आपके पास वह समय नहीं है कि आप 5000 साल तपस्या करें कुल करें तो अब इस बात को बहुत ध्यान से सुन ले कि उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की अब वह लीला अब मैं सब अपने बुद्धि के अनुसार तुम आपसे कहूंगा। शंकर जी तो बोल रहे हैं कि मैं तुमसे कहूंगा, और यह रवि शंकर जी के शरीर से स्वयं बोल रहा हूं कि मैं आपसे कहूंगा कि लीला की जो ते ही अवतारा सो सब कही हूं मति अनुसारा कि भरद्वाज सुनी शंकर बानी सकुच स प्रेम उमा मुसुकानी। अब जब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से यह बात कहते हैं तो वह जो है भरद्वाज जी तो सकुच जाते हैं, और जब शंकर जी पार्वती जी से यह बात कहते हैं तो सकुचा करके मुस्कुरा देती है, और अभी आप जो है कि बिल्कुल शांत बैठे हैं। तीनों में अंतर इतना है। अब माता मुस्कुराती हैं तो लगे बहुरी भरे ने वृष के तू सो अवतार भयउ जेहि हेतु। अब वृष केतु यानी शंकर जी जिस कारण से भगवान का अवतार हुआ था वह वर्णन करने लगे, अब मैं भी वही वर्णन करने जा रहा हूं, इसलिए आप इसे सावधान हो करके सुने कि सो मैं तुम्हें सन कहूं सब सुनी मुनीस मन लाई। सावधान होकर क्यों सुनेंगे कि राम कथा कलिमल हरनी मंगल करनी सुहाई। अब मुनि प्रधान जी मैं वह सब आपसे कहता हूं, इसे मन लगा करके सुनिए। यही बात कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कि श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। तो देखिए अब इनके अवतार का जो मुख्य कारण है कि स्वयं भू मनु अरुसत रूपा
जिनते भय नर सृष्टि अनुपा अदंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। स्वयं भू भू अब स्वयं भू वही आपके शंकर जी ही, वे मनु के रूप में सर्वप्रथम इसी धरती पर रहे और उनकी पत्नी सतरूपा जी जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई है, इन्हीं लोगों से मनुष्यों की सृष्टि हुई है मनु जी से। और इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे रहे। और आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं, तो नृप उत्तान पाद सुत तासु अध्रुव हरि भगत भय श्रुत जासु अलघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही वेद पुराण प्रशंस ही जाई। अब कहते हैं कि अब इनके पुत्र रहे राजा उत्तान पाद, राजा उत्तान पाद उनके पुत्र थे मनु और शत्रुपा जी के, और जिनके पुत्र ध्रुव जी राजा उत्तान पाद के पुत्र रहे, और उस उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था। प्रियव्रत जिन लोगों की प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। अब समझ में आया, मनु और शत्रुपा जी के पुत्र है उत्तान पाद जी, उनके पुत्र का नाम था ध्रुव जी, और ध्रुव जी प्रसिद्ध हरिभक्त हैं, उनको आप जानते हैं, उनके पिताजी को नहीं जानते। देखिए आज मैं जना दे रहा हूं तो आप जान जा रहे हैं। ध्रुव जी का नाम तो सुने थे, लेकिन ये उत्तान पाद के पुत्र है ये नहीं जानते रहे। अर्थात हर एक जीव का अपना आइडेंटिटी होता है। हाँ, कोई किसी के पिता और पुत्र के नाम से नहीं जाना जाता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ध्रुव जी को सब जानते हैं, प्रहलाद को सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो कि उनके माता पिता को जाने। तो हर आदमी का जो अपना चरित्र होता है, आप इनको जानते हैं कि ये रविशंकर जी हैं। माता पिता अगर पूछा जाए तो अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो बता देंगे, नहीं तो कहेंगे नहीं हम तो बस गुरु जी को जानते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना चरित्र होता है और वो उसी चरित्र से जाना जाता है। और ये जो मोह माया के जो चक्र हैं कि पुत्र है पिता है, इनके नाम से कोई नहीं जानता है किसी को। ये बात समझ रहे हैं जी। तो देवहूति पुनीता सुकुमारी जो मुनि कर दम के प्रिय नारी आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धरे हूं जे ही कपिल कृपाला। और इन लोगों की एक पुत्री भी थी, पिता स्वयंभू और शत्रुपा माता की एक पुत्री थी देवहूति, जो कि करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किए थे। हाँ। जो कपिल मुनि है ना, हाँ, वो माता देवहूति और करदम मुनि के पुत्र रहे हैं। है। तो सांख्य शास्त्र जिन्हें प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। कहते हैं कि तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किए और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा यानी शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। अब साफ साफ बात है कि वेद पुराण और शास्त्र के नीति का मर्यादा का अगर पालन करना है तब तो मनुष्य का जीवन जीना चाहिए। अगर उसका पालन ही नहीं करना है तब तो कोई अर्थ नहीं है। ये इंद्रियों का खाली पालन पोषण करने से क्या मतलब है, जय श्री राम, है ना।
तो हो, अब ध्यान दीजिए कि अभी भी बहुत सारे विषय घेर रखे रहते हैं, बहुत सारे काम पड़ जाते हैं, तो वही ये कह रहे हैं कि हो इन विषय विराग भवन बसत भा चौन चौथ पन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयउ हरि भगति बिनु। अब जो है कि वही मनु और शत्रुपा जी जो हैं तो कहते घर में रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता, विषयों से वैराग्य नहीं होता। तो इस बात को सोच करके उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति के बिना जन्म यूं ही चला गया। हाँ, क्योंकि विषय से विराग हो तब तो भक्ति शुरू होती है, उसके पहले प्रेम तो होता है लेकिन भक्ति नहीं होती है, क्योंकि जब तक विषय है तब तक भक्ति नहीं हो सकती है। क्या कहें, बस समझ लीजिए कि बहुत जन्मों का जो है पुण्य फल है जो कि यह प्राप्त हो रहा है प्रभु, नहीं तो देख तो रहे हैं कि नहीं हो पाता है। सती जी का नहीं हो पाया, अंतिम में पार्वती के रूप में जब वो सुनती हैं तब जा करके वो श्रद्धा स्वरूप बनती हैं। और आज मैं जो है कि सब लोगों को डांट डांट कर पंडितों लोगों को भी सिखाता हूँ, क्यों माताओं को जो है कि फंसा के रखते हैं, वो सीधे सीधे क्यों नहीं बता देते कि श्रद्धा स्वरूप बन जाइए भवानी स्वरूप हो जाएंगे। ऐसा बोलता रहता हो जब बात करते हैं तो कहते हैं महाराज अभी वो इतना आसान नहीं है श्रद्धा स्वरूप होना। मैंने कहा रे बाप रे बाप, कहो मन वाणी कर्म से अपने स्वामी की दासी बनने का भी पुरुषार्थ नहीं है नहीं है ना। हाँ, क्योंकि ये बड़ा अलग है, जो मनुष्य का शरीर है इसी से सब काम हो सकता है। देखो ये वो बात, हाँ, 1% नहीं मानी जा सकती, ये रानी जो है ना, नहीं वो नहीं, बात तो चिंता नहीं करिए, नहीं मानी जा सकती तो श्रद्धा स्वरूप नहीं बन पा रही है। हाँ। नहीं बन पा रही है तो फिर वही तो चल रहा है चक्र। अब दिमाग को यहाँ ले आइए वापस कि अब वो लोग ऐसा सोच रहे हैं, हाँ, मनु और शत्रुपा जी, हाँ, कि श्री हरि की भक्ति के बिना ही जन्म यू ही चला गया। तब जो है कि अचानक क्या करते हैं, हाँ, जो आपको भी मैं कभी कभी बताता हूँ, हाँ, पहले दिन भी यही बोला था कि अरे क्यों अब इसमें लगे हुए हैं, अब निकल जाइए यहाँ से। तो कहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि बर बस राजसूत ही तब दीना नारी समेत गवन बन कीना अतिरथ बर ने मिख विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती, अब उनको प्रेरणा मिला कहीं से, अब तब पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किए। अब यहाँ देखिए व्यवस्था भगवान की कैसी है कि कोई स्त्री नहीं कोई नहीं, डायरेक्ट चल करके आ रहे हैं और सारा कुछ सुना रहे हैं भगवान, यही शरीर लेकर के कह रहे हैं कि चलिए पहले यहाँ से एक मुक्ति का काम करिए, शादी करके क्या करेंगे, कलयुग में सब पाप परायण है, इसमें बेकार का शादी करेंगे पाप होगा, अब तो शादी करना ही पाप हो गया है। तो तीरथ बर ने मिख विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तो अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य बहुत ही प्रसिद्ध व्यवस्था है, एक जगह का नाम है। तो बस ही तहां मुनि सिद्ध समाजा तहां ही हरसी चले उ मनु राजा। जो नैमिषारण्य की व्यवस्था है, अब वहां पर मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं, जहां राजा मनु हृदय में हर्षित होकर के वहीं चले। और ध्यान दीजिएगा अब यहीं पर कि पंथ जाते सो हहीं मुनमति धीरा ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। अब वे धीर बुद्धि वाले राजा और रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे
कि मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो। कैसे सुशोभित हो रहे हैं कि ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो, ऐसा जो है उनका माने मनु जी लग रहा है ये ज्ञानी है और माता स्वरूपा जैसे लग रहा है ये भक्ति ही है। ऐसी अवस्था में ये बात समझिएगा, ये बहुत विशेष पॉइंट है यहाँ पर कि मनु और शत्रुपा जी ज्ञान और भक्ति के स्वरूप में दिख रहे हैं कि ज्ञान और भक्ति दोनों जा रही है साधना करने। तो पहुंचे जाई धेनुमति तीरा हरसि नहाने निर्मल नीरा आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर नृपिरसि जानी। अब कहते हैं हुए गोमती जी के किनारे जा पहुंचे और हर्षित होकर के उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया गोमती जी के, और उनको धर्म धुरंधर जो राजर्षि जान करके राजर्षि माने राज ऋषि जान करके सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। तो जह तह तीर जह जह तीरथ रहे सुहाए मुनि ने सकल सादर करवाए। अकृष शरीर मुनि पट परिधाना सत समाज नित सुनहि पुराना। तो जहां जहां सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थों को उनको करा दिए और उनका शरीर दुर्बल हो गया। और फिर मुनियों ने जो वल्कल वस्त्र होता है, हाँ साधना के लिए वल्कल वस्त्र होता है, और जब सिद्ध हो जाते हैं तो सफेद वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो यहाँ सिद्धि वही ज्ञान सिद्धि अखंड ज्ञान की सिद्धि इस शरीर को प्राप्त हो गई है प्रभु, आप सीधे सीधे समझ लें। क्योंकि इस रास्ते को जिस मार्ग पर चला है जो ज्ञान की चर्चा आपसे करता हूं इसको खंडन करने वाली व्यवस्था हो ही नहीं सकती। कोई कहे कि नहीं दूसरा कोई रास्ता है तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो लोग तो रिद्धि सिद्धि को जो है कि प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, और ये अखंड ज्ञान की सिद्धि बहुत अलग है जो कि बिरला किसी को होता है जी। तो वही कह रहे हैं कि अब वल्कल वस्त्र माने साधना करने के लिए धारण करते हैं ये जो साधु का जो वस्त्र है, और कहते हैं संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते रहे। तो अब देखिए साधना कहाँ से शुरू होता है, जब राग का अंत हो जाता है तभी अनुराग की गंगा लहराती है। तो द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग अबासुदेव पद पंकरुहु दंपति मन अति लाग। जब पिछली बार मैं आपके पास आया था तो मैं कहा था कि ठीक है ओम नमः शिवाय का जाप आप करते रहे, अब जो है कि इस जाप को यहाँ से बदलाव करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जो है यहीं से तो शुरुआत होती है साधना की महाराज, वासुदेवाय। तो कह रहे हैं कि अब नित्य पुराण सब सुनते रहे, और द्वादश अक्षर का मंत्र यह है, ये 22 अक्षर है, 22 अक्षर नहीं 12 अक्षर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी का वो लोग प्रेम सहित जाप करते रहे, और भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। तो देखिए अब यहीं से देखिए क्या व्यवस्था होती है कि वहीं पर अन्न भी छूट जाता है। देखिए साधना के जो नियम है आपके अंदर, आप मानसिक सब काम कर सकते हैं, अभी मानसिक सब काम कर सकते हैं। तो करही आहार साक फल कंदा सुमिरही ब्रह्म सच्चिदानंदा। तो वे साग फल और कंद का आहार करते रहे। जय श्री राम। किस किस चीज का?
साग फल और कंद का। अब वहां पर रोटी सब्जी खत्म। नहीं तो यही तो बात है, तो यहां से भी मन से वही साग फल कंद का ही आहार करना चाहिए, अगर संभव हो तो यही करना चाहिए, घर के अंदर ही करना चाहिए। हाँ, यदि संभव हो तो यह कार्य करने में विलंब नहीं करना चाहिए। तो कोई बात ही नहीं, आप समझिएगा कि अब वो लोग वही करते रहे और हम तो वैसे ही, हम भी पड़े रहे काफी दिन तक, हम भी काफी समय तक ये सब काम किए हुए हैं। ये बहुत अलग है, क्योंकि रास्ता सबका एक ही है। अब यह है कि सारा सिद्धि ला करके आपको ज्ञान की सिद्धि डायरेक्ट दे दे, वो बात बहुत अलग है, शॉर्टकट में काम हो गया, हो जा रहा है। नहीं तो जो स्वयं अकेले जो है करते हैं ना, तो साधना करने का नियम तो यही है प्रभु। जी, अब जिनके पास हो गया वो जो है कि अब आप जब देखे कि जैसे हम समझा रहे रामचरित मानस को, यह इतनी विशेष व्यवस्था पहले समझ, अभी पहली बार समझ में आ रहा है कि ऐसे रामचरित मानस कहा भी जाता है। जी हाँ, ऐसे ही कहा जाता है। लेकिन जब हाँ इतनी बड़ी व्यवस्था हो, मन इतना निर्मल हो और वही काम जो कि भगवान राम जी किया करते रहे, वो तुरिया अवस्था में आदमी पहुंचा हो, तब तो बात होगी ना। तो सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंद, तो वे साग फल और कंद का आहार करते रहे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते रहे। और पुनि हरि हे तु करन तप लागे, बारी आधार फूल मूल फल त्यागे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे, वही निरंकार ब्रह्म के लिए, और मूल फल का भी त्याग करके केवल जल के आधार पर ही रहने लगे, मात्र पानी पी करके रहने लगे। जी, तो उरय अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अब देखिए वो परम प्रभु के लिए कर रहे हैं कि हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती रही कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें। किनको? किनको? विष्णु जी को नहीं, अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चित ही पर मारथ वादी। उन प्रभु को जो कि निर्गुण है, जो कि अखंड है, जो कि अनंत है, जो कि अनादि परम ब्रह्म है, और जो परमार्थवादी यानी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, समझ रहे हैं, अब वो उनके लिए तपस्या कर रहे हैं। और आज आप अगर ज्ञान वैराग्य का स्थान धीरे धीरे खुल गया होगा तो आप देखेंगे कि वही ब्रह्म किस रूप में जो है कि एक रूप पकड़ करके कि ठीक है हम तो वही रविशंकर है और सारी बातों का ज्ञान दे दे रहे हैं, क्योंकि वही व्यवस्था इतनी निर्मल हो सकती है प्रभु। नहीं तो बाकी तो हर जगह तक कुछ न कुछ तो समस्या रहता है ना, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, यहाँ उनको कुछ नहीं चाहिए, उनकी यही पहचान है, जो सब देते ही देते हैं, लेने में उनका कहीं भी मन नहीं रहता है। जी, वो कैसे हैं? वो निर्गुण है, अखंड है, अनंत है और अनादि है। और नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। माने जिन्हें वेद नेति नेति, नेति नेति माने कि जिनका अंत नहीं है, जिनका अंत नहीं है। अब निरंकार ब्रह्म का अंत कहाँ होगा, ऐसा कह करके निरूपण करते हैं। और जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, ध्यान दीजिएगा, वो आनंद स्वरूप है। माने यह आनंद आपको आप समझ सकते हैं, ऐसा आनंद उन्हीं से प्राप्त हो सकता है प्रभु। और ये उपाधि रहित है, उपाधि रहित माने कि किसी से उनका तुलना नहीं कर सकते, उपाधि रहित है और अनुपम है, सुंदर है। अब वो जो है कि अब देखिए ना, कुछ उनको चाहिए भी नहीं फिर भी बहुत सुंदर लगते हैं। अब
यही से आपको ध्यान देना है बहुत ही मन को स्थिर करके कि शंभु विरंचि विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। कह रहे हैं कि जिनके अंश से अनेक शंकर जी ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, जिनके अंश से, वही निरंकार ब्रह्म के अंश से अनेकों शंकर जी ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। तो यानी ब्रह्म कोई और है, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी वो तो सच्चे संत हैं, सेवक हैं, भक्त हैं, सेवा कर रहे हैं, ब्रह्म कोई और है। हाँ, अरे उन्हीं के तो अंश से, यही तो कहा जा रहा है ना कि शंभु विरंचि विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। उन्हीं के अंश से तो ये लोगों की उत्पत्ति होती है महाराज, और चूंकि ये लोग सच्चे हैं इसीलिए इनकी आराधना करने से वो प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ना कि बिना शंकर भगत के कोई जो है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसे ही प्रभु से, अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि ऐसे उ प्रभु से वक बस यही भगत है तुलीला तनु गहई। ऐसे महान प्रभु जिनके अंश से इतने ब्रह्मा विष्णु शंकर उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे महान प्रभु सेवक के बस में है। सेवक के बस में, ओ या हो, आप प्रधान सेवक है, अभी आपको समझा दे रहा हूं। ऐसे प्रभु हाँ, साफ साफ देखिए ना कि ऐसे उस प्रभु सेवक बस आई अब भगत है तुलीला तनु गई। और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। अब यह लीला ही हो रहा है ना, पवित्र लीला हो रहा है जिसमें परम आनंद की अनुभूति हो रही होगी। तो जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा तो हमारे पूज ही अभिलाषा। तो यही बात चूंकि वेदों ने कहा है ये बात, तो मनु महाराज और शत्रुपा जी का यही विचार कर रहे हैं कि यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। तो आप देखिए वही देवता तुल्य है महाराज कि आपकी अभिलाषा वैसे ही पूरी हो रही है, क्योंकि इस प्रकार का कोई व्यक्ति तो कहां देखने को मिलेगा कि जिनको कुछ नहीं चाहिए दे सब कुछ सकते हैं। तो यही बीती बीते बरस खट, ध्यान दीजिएगा, असहस बारिया हार असंबत सप्त सहस्र पुनी रहे समीर आधार। आप तो देखे कि माता पार्वती जी 5000 साल तपस्या की है, और यहाँ पर मनु और शत्रुपा जी अब इनको परम ब्रह्म को ही प्राप्त करना है। तो इस प्रकार जल का आहार करके 6000 वर्ष बीत गए, 6000 वर्ष बीत गए मात्र जल पी करके। भ्रमित बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि जब प्रभु का आधार बन जाता है तो शरीर की आयु बहुत हो जाती है, और जब ये संसार का आधार बनाते हैं तो 75-80 साल में सब कुछ हो जा रहा है, और फिर उसके बाद 6000 तो बीत गए, और फिर 7000 वर्ष तक वायु के आधार पर ही रहे, माने 7-6 13000 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो बरस सहस दस त्यागे उसो ठाड़े रहे एक पद दो। और उसके बाद में 10000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। देखिए अब वायु भी नहीं ले रहे हैं, माने 13-10 23000 साल हो चुका है। सुन करके भ्रमित मत होइएगा, क्योंकि जब भगवान का आधार मिलता है ना तो तपस्याएं बहुत अपार हो जाती हैं। तो कह रहे हैं कि 10000 वर्ष तक तो उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, और दोनों एक ही पैर से खड़े रहे
एक ही पैर पे खड़े रहे हैं। तो अब देखिए यहीं पर ये राम जी का जो है कि इतना आसान है क्या राम जी को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त कर लेना। तो अब यही बहुत ध्यान से समझिएगा कि विधि हरि हर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा। अब उनका अपार तपस्या देख करके ब्रह्मा विष्णु शंकर कई बार मनुष्य आते हैं मनु जी के पास आते हैं। बार बार आते हैं कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर जी। ब्रह्मा विष्णु महेश हाँ तीनों लोग बहुत बार आते हैं और आकर के कहते हैं कि माँ गहु बर बहु भांति लोभाए परम धीर नहीं डिगही डिगाए। परम धीर है वो, उनको सिर्फ निरंकार ब्रह्म चाहिए, उनको ब्रह्मा विष्णु शंकर से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये आ करके बहुत बार उनको लुभाते हैं और कहते हैं बर मांगिए बर मांगिए, कहे आपसे मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है। इसलिए लोग जो बेवकूफी करते हैं कहते हैं कि राम जी तो खाली इनके अवतार है विष्णु जी के, ऐसा कुछ नहीं है। विष्णु जी अब देखिए ना कि विधि हरि हर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा। अब मांगहु बर बहु भांति लोभाए परम धीर नहीं डिगही डिगाए। एकदम वो नहीं डिगे, उनसे कहे आप लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। अब देखिए समझ रहे हैं ना। हाँ तो अस्थि मात्र होई रहे शरीरा तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। तो कह रहे हैं कि यद्यपि उनके शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया फिर भी उनके मन में जरा सही भी पीड़ा नहीं थी। हाँ और आज आदमी को थोड़ा सा भूख लगे तो कहे कि भगवान तो मिलेगे नहीं, चलो भैया खाना खाओ नहीं मर जाओगे। उनकी मात्र हड्डी का ढांचा मात्र बचा हुआ है तब भी उनके मन में कोई पीड़ा नहीं है। तो प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्यता पसंद परानी। अब ध्यान दीजिएगा कि जो सर्वज्ञ प्रभु उन्होंने अनन्य गति, अनन्य गति माने आश्रय वाले तपस्वी जो राजा रानी हैं उनको निज दास जाना। अब वो समझ गए कि यह जो है कि बहुत परम धीर है, ये हमारे दास हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि मांगू मांगू बरु भय नभ बानी परम गभीर कृपामृत सानी। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि बर मांगो बर मांगो। अब वही निरंकार ब्रह्म की जो है अब वो अमृत से सनी हुई है, तो जब अमृत से सनी हुई है तो उसका प्रभाव भी तो होगा ना। तो प्रभाव क्या हो रहा है कि मृतक जियावनी गिरा सुहाई श्रवण रंध होई उर जब आई। तो हिष्ट पुष्ट तन भये सुहाए मानहु अब ही भवन ते आए। तो वह बाणी देखिए, अब यह सब खोज की विषय है कि मुर्दे को भी जिंदा कर देने वाली यह सुंदर बाणी कानों के छेद से होकर जब हृदय में आई तो राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हिष्ट पुष्ट हो गए कि मानो अभी घर से आ रहे हैं। एकदम यही बाड़ी को आप धारण कर लीजिए प्रभु। तो जब वह बाड़ी सुने तो उनके जो है कि शरीर हिष्ट पुष्ट हो गए, जो हड्डी हड्डी बचे थे ना वो बिल्कुल हिष्ट पुष्ट हो गए। तो श्रवण सुधा सम बचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात बोले मनु करी दंडवत प्रेम न हृदय समान। तो कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले
और प्रेम हृदय में समाता ना था उनका। अब उनको देखिए यह व्यवस्था प्राप्त हुई कि सुनु सेवक सुरे तरु सुरे धेनु अभिधि हरि हर बंदित पद रेनु। अब देखिए बार बार ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी आ रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और काम धेनु है। अब आप प्रधान सेवक है, इसीलिए इस कल्प वृक्ष और काम धेनु आपको प्राप्त हुआ है। इसमें बहुत बड़ा जो है कि रहस्य है प्रभु। मेरा आगमन जो है कि ये बिल्कुल साधारण बात नहीं है यहाँ पर। तो वही कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और काम धेनु है, आपकी चरण रज की, अब उनके चरण के धूल की। ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी भी वंदना करते हैं। बात समझ में आ रही है? उनके चरण कमल की ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी भी वंदना करते हैं। तो सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। कहते हैं आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों को देने वाले हैं और आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। ऐसा जो है मनु और शत्रुपा जी भगवान से कह रहे हैं। इसलिए आपको बार बार प्रेरणा दिया जा रहा है कि प्रभु धर्म का बिल्कुल पवित्र स्थापना आप इसी शरीर से कर डालें। हाँ, क्योंकि ये बहुत अलग व्यवस्था है ना। अब इनको तो किसी प्रकार से तो इनका बात नहीं टालना चाहिए। ये शंकर जी क्या कहे, तो कोई बात नहीं। अब मैं ज्यादा खुलासा तो नहीं करूंगा इस शरीर के बारे में, लेकिन वो जितना प्रेरणा से आपको समझ में आ जाए वही सत्य है कि जो अनाथ हित हम पर ने हूं तो वो प्रसन्न हो यह बर देहू। तो कह रहे हैं कि हे नाथ, अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह बर दीजिए। कौन सा बर दीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये राम जी का जो अवतार हुआ है उसके लिए विशेष रहस्य है जो कि आज के जो है बूढ़े लोग नहीं जानते हैं और आप उसको जान जाएंगे कि जो स्वरूप बस शिव मन माही अजही कारण मुनि जतन कराही। कहते हैं कि महाराज, जो आपका स्वरूप शंकर जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, तो आप जरा सोचिए कि शंकर जी विष्णु जी के स्वरूप को मन में धारण नहीं करते हैं। शंकर जी विष्णु जी तो भाई भाई की तरह रहते हैं, एकदम मस्त हैं। तो वह कह रहे हैं कि वह स्वरूप जो शंकर जी के मन में बसता है और जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भूसुंडी मन मानस हंसा सगुण अगुण जेही निगम प्रशंसा। कहते जो काग भुसुंडी जी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कह करके जिसको वेद लोग जिसकी प्रशंसा करते हैं, तो देखिए हम सो रूप भरी लोचन कृपा करहूं प्राण तारती मोचन। तो कहते हैं शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर के देखें। अब समझ गया, वो विष्णु के रूप को नहीं, वो सीधे बोल रहे हैं कि वह रूप जो शंकर जी के मन में बसता है, जिसके लिए योगी मुनि यत्न करते हैं, और जो काक भुसुंडी जी के मन में मान सरोवर में जो हंस के समान विचरण करता है, और अगुण और सगुण जिस दो रूप में वेद लोग जिसका निरूपण करते हैं, वही स्वरूप देखने की मांग कर रहे हैं। कौन? मनु और शत्रुपा जी। तो दंपति बचन परम प्रिय लागे मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। अब मधुर और विनम्र प्रेम रस में पका हुआ, माने पका हुआ
ये जो दंपति है मनु और शत्रुपा जी का, यह वाणी सुन करके वो परम प्रिय लगा। जय श्री राम, परम प्रिय। देखिए उनका जो काम है वो परम है। अब यहाँ पर जो कुछ राम कथा मिला तो उससे आपको परमानंद ही मिल रहा है। जो काम होता है वो परम होता है, वो मिलावटी उलावटी नहीं होता है, एकदम परम प्रिय लगा है। तो भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। तो देखिए वही बात मैं बार बार आपसे कहता हूं कि भक्त वत्सल है वो, तो भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, यानी जो कि समस्त विश्व में व्याप्त है, यहां भी है, हर जगह है, वो क्षीर सागर में नहीं रहते, वो हर जगह रहते हैं। तो वही सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। तो प्रकट हुए तो उनका रूप क्या है उस समय, कि नील सरोरुह नील मणि नील निर्धर श्याम, अल्लाह जही तने शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। अब भगवान नीले कमल और नील मणि और नीले जल युक्त मेघ के समान, ये जो नीला मेघ होता है बादल, हाँ उसी रंग के कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण यानी चिन्मय शरीर की शोभा को देखकर जिसे करोड़ों काम देव जी भी लजा जाए, इसी स्वरूप में वह प्रकट होते हैं। तो शरद मयंक बदन छवि शिवा चारु कपोल चीबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण हृदय सुंदर नासा विदुकर निकर बिनिंदक हासा। और कह रहे हैं कि उनका मुख शरद की पूर्णिमा, जो पूर्णिमा का चंद्र मतलब शरद ऋतु की जो पूर्णिमा की चंद्रमा के समान छवि के सीमा स्वरूप था, गाल और थोड़ी बहुत ये जो ठुड्डी होती है ये बहुत ही सुंदर थे, गला शंख के समान माने त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था, लाल ओठ दांत और दांत और नाक अत्यंत सुंदर रहे। ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही जो लाल ओठ दांत और नाक अत्यंत सुंदर रहे और हंसी जो है चंद्रमा की किरणों को भी नीचा दिखाने वाली थी। अब ऐसे भगवान प्रकट हुए हैं। हाँ अब जब इतना बढ़िया बात चल रहा तो इसी बीच में माया का बात नहीं होगा। हाँ तो नव अम्बुजे अम्बक छवि नीकी, अब ध्यान देंगे, ध्यान से आप उनके स्वरूप का पहचान करिएगा कि नव अम्बुजे अम्बक छवि नीकी चितवन ललित भावती जी की, अभ्रिकुटि मनोज चाप छविहारी तिलक ललाट पटल दूतिकारी। अब बता रहे हैं कि नेत्रों की छवि नए, अब माता सरस्वती जी बता रही हैं, ध्यान दीजिएगा, भ्रम यह न हो कि तुलसीदास जी कैसे जान गए, इस समय सब लोगों की कृपा है और सारा स्वरूप उनको समझ में आ रहा है इसीलिए लिख रहे हैं कि नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर है, मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती है और जो टेढ़ी भौवें हैं वे कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी और ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। समझ रहे हैं, अब ऐसा ही स्वरूप अपने अंदर धारण करिए क्योंकि समय आप वही रहिएगा कि कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुटिल केश जनु मधुप समाजा, उर श्री वस रुचिर बन माला पदिक हार भूषण मणि जाला। करें कि कानों में
मकराकृत यानी मछली के आकार का कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था और घुघराले काले बाल ऐसे घने थे कि मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवर्ष सुंदर बनवाला रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित हो रहे थे। यह उनके जो है स्वरूप का वर्णन हो रहा है प्रभु, और इसी स्वरूप को आप धारण कर सकते हैं बहुत ही चित्त को स्थिर करके कि केहरि कांधरे चारु जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर तेऊ करि कर सरिस सुभग भुज दंडा कटि निसंग करे सर को दंडा। कते सिंह सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था, भुजाओं में जो गहने थे वे भी अत्यंत सुंदर थे और हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुज दंड थे माने भुजाएं थी और कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभायमान हो रहे थे। देखिएगा तो तड़ित विनंदक पीत पटो उदर रेख बरतीनी नाभि मनोहर लेती जनु जमुना भवर छवि छीन। अब और देखिए वर्णन कर रहे हैं प्रभु के शरीर का कि स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को भी लजाने वाला और पेट पर सुंदर तीन रेखाएं जिसे त्रिवली थी और नाभि ऐसी मनोहर थी कि मानो यमुना जी की भावरों की छवि को छीन लेती है। ऐसी जो है उनकी नाभि का वर्णन है तो पद राजीव बरनी नहीं जाही अमुनि मन मधुप बस ही जन माही अबाम भाग शोभति अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। कह रहे हैं कि जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं भगवान उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उनके चरण कमल ऐसे रहे भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति जानकी जी भी सुशोभित हो रही हैं। जानकी जी भी साथ में सुशोभित हो रही हैं। चित्त को कहीं मत ले जाइए प्रभु। हाँ तो जानते हैं अब वही जो आदि शक्ति हैं जिनका चर्चा करते हैं कुछ लोग तो आदि शक्ति तक पहुंचते हैं तो कहते हैं आदि शक्ति सब कुछ है भगवान कोई नहीं है। अरे भैया आदि शक्ति है तो उनके पति भी तो होंगे महामायापति। तो आदि शक्ति की बात कर रहे हैं कि जासु अंश उपय जही गुने खानी अगणित लक्ष्यु मां ब्रह्मानी अभ्रिकुटी बिलास जासु जग होई राम बाम दिसी सीता सोई। अच्छे से समझिएगा कि वही जो आदि शक्ति हैं माता सीता जी जिनके अंश से गुणों की खान माने अनगणित गणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी यानी सरस्वती ये तीनों देवियों की शक्तियां को उत्पन्न होती है वो जिनके अंश से जिनके अंश से जी हाँ सीता जी के अंश से अनगणित अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती है। बात बहुत आगे जा रही है और जिनकी भावे के इशारे पर ही जगत की रचना होती है वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी रामचंद्र जी की बाई ओर स्थित है। राम और सीता अलग अलग कभी हो ही नहीं सकते। वो दूर दूर भले से रहें लेकिन वो हमेशा हृदय में एक साथ रहते हैं।
आप समझ लीजिए कि उनको अगर कोई चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन वो दूर दूर हो ही नहीं सकती। यह प्रमाण है प्रभु। तो छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी, अचित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मान ही मनुष्य रूपा। अब कहते शोभा के समुन्दर, अब श्री जो निरंकार ब्रह्म है, ऐसे हरि के रूप को देखकर मनु और शत्रुपा नेत्रों के पट यानी जो पलके हैं वो रोके हुए एक टक वही रुक गई है, मतलब झपक ही नहीं रही है, एकदम रुक गई है। और उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे, और देखते देखते अघाते ही ना थे, अब देखे ही जा रहे हैं। तो हरस विभस तने दशा भुलानी, परे दंड हुए गई पद पानी, असिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। अब देखिए कितना अच्छी बात कह रहे हैं कि आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की शुद्धि भूल गई। मनु और शत्रुपा जी अपने देह की शुद्धि भूल गए, और वे हाथों से भगवान के चरण को पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। दंड समझ रहे ना, एकदम सीधे भूमि पर गिर पड़े। और कृपा के राशि, देखिए वो कृपा के राशि और समुन्दर सब कुछ उन्हें कहा जाता है। तो कृपा के राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और तुरंत उठा लिए। प्रभु बहुत है, आप जैसे ही कहेंगे कि अब भगवान मुक्ति चाहिए तो अपना व्यवस्था करके भेज देंगे कि चलिए आपको सारा काम करा देते हैं। और कह रहे हैं, अब देखिए जब उठा लिए तब बोल रहे हैं कि बोले कृपा निधान। ध्यान दीजिएगा, अब वही बात आपसे भी पूछ रहा हो कि बताइए क्या चाहिए, क्या करना है, शंकर जी बनना है, ब्रह्मा जी बनना है, विष्णु जी बनना है, कृष्ण भगवान बनना है, कि बिल्कुल मुक्त हो जाना है, जो चाहिए सो आज मिलेगा आपको। तो बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान, कि मांगहुं बरे जोई भाव मन, महादानी अनुमान। तो फिर कृपा निधान भगवान बोले कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही बर मांग लो। जो मन को भाए वही बर मांग लो। तो ध्यान दीजिए, अब ये बड़ा अलग है कि यहाँ पर वो सब कुछ देने को तैयार है। आज वही बात आपसे कही जा रही कि बोलिए क्या चाहिए, सब आपको मिलेगा। तो सुनि प्रभु बचन जोरी जुगे पानी, धरी धीरज बोली मृदुबानी, कि नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। जो बात आप वही बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि दोनों हाथ जोड़ करके धीरज धर करके मधुर वाणी बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आपके चरण कमल को देख करके ही हमारे सारे काम पूरे हो गए, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी एक लालसा वहां पर मनु और शत्रुपा जी की बची हुई है। क्या बची हुई है कि एक लालसा, देखिए अगर आपकी लालसा नहीं है तो मुक्ति जरूर मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर इनकी लालसा है, तो लालसा है तो लालसा जो है वही मिलेगा। तो बोल रहे हैं कि एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाती सोनाही, कि तुम ही देते अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। कह रहे हैं कि फिर भी यद्यपि कि सब मनों की कामनाएं पूरी हो गई हैं,
फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। फिर कह रहे हैं स्वामी, आपके लिए तो उसको पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता यानी दीनता के कारण वो अत्यंत कठिन मालूम होता है। कैसे? कि जथा ज दरिद्र भी बुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सब कुचाई। कहते हैं जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष पा करके भी अब उससे अधिक द्रव्य मांगने में संकोच होता है। अब किसी दरिद्र को कल्प वृक्ष मिल जाए, अब उसे कल्प वृक्ष से बढ़ करके और संपत्ति मांगे तो वो बहुत संकोच करेगा। तो आपके तो चरण कमल पड़ गए, तब तो हमारे सारी जो है कि कामनाएं वैसे ही सिद्ध हो गई। अब इसके बाद और मांगू तो संकोच लग रहा है। ठीक है, तो तासु प्रभाव जाने नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई, क्योंकि वह इसके प्रभाव को नहीं जानता। कल्प वृक्ष के प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। अब देखिए संशय वहां भी अभी है थोड़ा सा, कि सो तुम जानहू अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, असकुच बिहाई मांगुन रिप मोही, मोरे नहीं अदेह कछु तोही। तो जैसे यह वाणी निकल रही है उसी प्रकार से भगवान जी सीधे कह रहे हैं, भगवान जी क्या वो मनु जी, कि हे स्वामी आप अंतर्यामी हैं, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान जी कहते हैं कि हे राजन संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। आज वही बात प्रधान जी से मैं कहता हूं, प्रधान जी आप बिल्कुल संकोच छोड़ करके मांगिए। अब वही बात है कि संकोच छोड़ करके मांगिए, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं जो कि आपको न प्राप्त हो सके। तो दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाव, अच्छा हूं तुम्हारी समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। अब खोल दिए अपना लालसा। नहीं हाँ, आपको चाहिए आपको वही मिलेगा, एकदम चिंता न करिए। लेकिन उन लोगों को क्या चाहिए था? कर हे दयानुओं में शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं। वो वे बोलते हैं मनु और सतरूपा जी कि मैं आपके समान ही पुत्र चाहता हूं, पर अब प्रभु से क्या छिपाना है? अब आपको मुक्ति चाहिए तो आपको भी क्या छुपाना है? मुक्ति चाहिए, मुक्ति मिलेगी। हाँ, तो देखी प्रीति, बस 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 आप भक्ति को प्राप्त कर ले, मुक्ति पीछे पीछे लगी है। तो देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एव मस्तु करुणा निधि बोले। अब यहां से देखिए एकदम सीधे सीधे हो जा रहा है कि अब ये जो राम जी के अवतार रहे वो जो है कि निरंकार ब्रह्म के रहे, अब वहीं पर उनको वरदान दे रहे हैं कि देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एव मस्तु करुणा निधि बोले, कि आप सरिस खोजो कह जाई, निप तव तनय होब मैं आई। कहते हैं भगवान जी की राजा के प्रीति को देखकर और उनके अमूल्य वचन को सुनकर करुणा निधान भगवान बोलते हैं कि ऐसा ही हो राजन, मैं अपने समान दूसरा कहां जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर के तुम्हारा पुत्र बनूंगा। एकदम साफ साफ शब्दों में यह बात बता देते हैं कि मैं स्वयं ही आकर के तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो सतरूप ही बिलोकी कर जोरे, देवी मागु बरु जो रुचि तोरे, जो बरु नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोही अति प्रिय लागा। अब सतरूपा जी हाथ जोड़ करके देख करके भगवान से कहती हैं,
भगवान जी कहते हैं कि वो शत्रुपा जी हाथ जोड़े खड़ी हैं, तो उन्हें देख करके भगवान जी कहते हैं कि हे देवी, जो तुम्हारी इच्छा हो सो वर मांग लो, तुम भी मांग लो। तो शत्रुपा जी ने कहा, हे नाथ, जो हमारे स्वामी हैं उन्होंने जो वर मांगा है कृपालु, वह मुझे भी बहुत प्रिय लगा। अब सही बात है कि जब माता जी को ही अगर कोक में अवतार ले लेंगे भगवान, तो उससे बड़ा उनको क्या मिलेगा। तो बोले वो है, वही हमको प्रिय है। देखिए यहाँ पर कोई लालसा उनकी अलग से नहीं है। तो प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई, यद्यपि भगत हिते तुम ही सोहाई, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उरे अंतर जामी। तो परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी लगती है। भक्ति मुक्ति कुछ भी मांगे, जो भी मांगते बहुत अच्छा लगता है मांगने पर। ये कुछ मांग तो रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आप ब्रह्मा आदि के पिता माने उत्पन्न करने वाले हैं। ब्रह्मा आदि माने ब्रह्मा विष्णु शंकर, सबको आदि में सब आ गए, कि इनको उत्पन्न करने वाले जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर को जानने वाले ब्रह्म है, जिसके हृदय में जो कुछ है वो सब जानते हैं। आप बिल्कुल चिंता न करें। तो अस समुझते मने संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई, जे निज भगत नाथ तब यही, जो सुख पावही जो गति लही। तो कह रहे हैं कि ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने अगर जो कहा वह प्रमाण सत्य है, तो मैं यह मांगती हूं कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त करते हैं, ठीक है, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, आ गई आपकी बात, वही सुख, वही गति और वही भक्ति, अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। ये माता शत्रुपा मांग रही हैं। तो अब आपका पूरा मन वाणी कर्म तीनों जो है श्री राम जी के चरणों में लग जाए, ऐसा ही आशीर्वाद है प्रभु प्रमाण के लिए कि सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करी दे। तो सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं तो दीन सब संशय नाही। तो रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुन्दर भगवान कोमल वचन बोलते हैं कि तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैं तुमको दे दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। ठीक है, तो आपको जो है भक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, सब कुछ आपको प्राप्त हो जा रहा है यहीं पर, इसमें आप संदेह मत रखिएगा जी, क्योंकि यह प्रसंग तभी आ रहा है जब जो है कि उचित समय है, इसके पहले तो नहीं आया, तो आज यही आ रहा है क्योंकि भगवान ऐसा ही चाहते हैं। तो मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे, बंदी चरण मनु कहेउ बेहोरी, और एक बिनती प्रभु मोरी। भगवान कहते हैं कि हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट ना होगा। ध्यान दीजिएगा,
हरिओम। अब यही कृपा भगवान की हो रही कि यह ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है, यह ज्ञान आपका भी कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि अब आप कभी ये भंवर सागर में नहीं जाएंगे। साफ साफ बात हो रहा है। तब मनु जी ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा कि हे प्रभु, मेरी एक विनती है। क्या विनती है, इस बात को सुनिएगा, बहुत समय पर आए हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। कह रहे हैं, वंदना करते हैं और कहते हैं मेरी एक विनती है। अब विनती क्या कर रहे हैं कि सुत विषय के तव पदरति हो, मोही बड़े बूढ़े कहे किन को, मन बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। अब देखिए, यही वर मांग लेते हैं उसी समय कि आपके चरणों में मेरी ऐसी प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की वास्तव में होनी चाहिए। माने मैं बिल्कुल जो है आपके बिना न रह सकूं, चाहे कोई मुझे बड़ा भारी मूर्ख क्यों न कहे, लेकिन जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे कि यदि आप न रहे तो मेरा जीवन समाप्त हो। यही कारण है कि दशरथ जी के प्राण छूटे थे। यह वर मांगा था उन्होंने कि इतना मेरा प्रेम हो जाए कि आपके बिना, आप समझ लीजिए कि जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे मैं आपके बिना न रह सकूं, यह मुझे वर दे दीजिए। तो कोई बात नहीं, अगर यही बात मांग रहे हैं तो भगवान भी वही कर रहे हैं कि अस बरु मांगी चरण गई रहे हूं, तो एवं अस्तु करुणा निधि कहे हूं। तो जब ऐसा वो भर मांग करके चरण पकड़ लेते हैं तो करुणा निधि यानी निरंकार ब्रह्म जी कहते हैं ये ओम अस्तु, अब क्यों चिंता कर रहे हैं, अब तो जब राम वनवास होगा तो उनका शरीर छूटना ही छूटना है, वो तो मांग रखे हैं। तो अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुर पति राजधानी। तब कहते हैं कि अब सुनो, मेरा अनुशासन मानो, अब तुम लोग देवराज इंद्र की राजधानी यानी स्वर्ग में, जिसे अमरावती कहते हैं, क्या वहां जाओ और कुछ काल तक वास करो, मैं आऊंगा पुत्र के रूप में। एक बार भगवान जब बोल देते हैं तो फिर कहा जो है। तो अब देखिए, वहीं से लोग अपना शरीर छोड़ करके पहुंच जाते हैं सीधे जो है अमरावती यानी स्वर्ग लोक पे। तो तह कहीं भोग विशाल तात गए कछु काल पुनी, होई हूं अवध भुआल, तब मैं हो तुम्हारे सुत। जय श्री राम। कह रहे हैं कि हे तात, वहां स्वर्ग के जो बहुत भोग, बहुत से भोग भोग करके कुछ काल बीत जाने पर जब तुम अयोध्या के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। ये बात उसी समय बोल देते हैं। तो इच्छा मय नर वेश सवारे, होई हूं प्रगट निकेत तुम्हारे, और अनशन सहित देह धरी ताता, करी हूं चरित भगत सुखदाता। अब कह रहे हैं कि इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सज करके मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित, अब देखिए उन्हीं के अंश रहे, उनके जो मन रहे वो भरत जी रहे, और जो शेषनाग जी हैं वही जो है कि लक्ष्मण के रूप में रहे हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले शत्रुघ्न रहे हैं, और आदि शक्ति माता जानकी भी उन्हीं के अंश है ना। तो सब लोग उस समय अवतार ले लेते हैं, और यह जो सेवक है ये उसी जन्मभूमि से है जहां आदि शक्ति ने अपना अवतार लिया था, ये वही के रहने वाले हैं जी। तो कोई बात नहीं, तो यही कह रहे हैं कि हम जो है कि ये सारा सुख देने वाले जो भक्तों का सारा सुख है, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करूंगा। भगवान वरदान देते हैं इसीलिए तो आते हैं। तो जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतरी हही ममता मद त्यागी। अब सुन लीजिए कि इन चरित्रों को जो बड़े भाग्यशाली मनुष्य होंगे, अब देखिए आप भाग्यशाली नहीं, अब आप बड़े भाग्यशाली हो गए हैं,
कि जो बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग करके भाव सागर से तर जाएंगे। जय श्री राम। ये भाव सागर से तर जाएंगे तो तरने का उपाय भी आपको मिल गया। अब आदि शक्ति जेही जग उपजाया, सो अवतर ही मोरी यह माया। तो वही बोल रहे कि आदि शक्ति यह मेरी जो स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है वो भी अवतार लेगी, एकदम चिंता नहीं करिए। तो पुरोब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। तो निरंकार ब्रह्म कह रहे हैं कि इस प्रकार से मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूरा करूंगा, यह मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। भगवान तीन बार यह बात कहते हैं। तो पुनि पुनि ऐसे कही कृपा निधाना, अंतर धान भये भगवाना। तो कृपा निधान भगवान जी बार बार ऐसा कह करके अंतर ध्यान हो गए, ठीक है। तो दंपति उर धरी भगत कृपाला, तेही आश्रम निवैसे कछु काला। समय पाई तनु तजियन आसा, जाई की रावती वासा। तो वे राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे, फिर उन्होंने समय पा करके सहज ही बिना किसी कष्ट के अपने शरीर को छोड़ करके इंद्र की पुरी यानी अमरावती में जाकर के वास किए हैं। तो यह इतिहास पुनीत अति उमहि कहै वृषकेत, अभरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म करहे तू। तो याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं कि हे भारद्वाज जी, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था, और आप यहीं पे जान लीजिए कि इसी इतिहास को रविशंकर जी प्रधान जी से कह रहे हैं, और अब श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण अलग से सुनिए। जय श्री राम। जय श्री राम। तो क्या सुनिए, क्या सुनिए। और यही है मास परायण का पांचवा विश्राम, यानी 30 दिन की कथा अगर होती तो ये 5 दिन में इतना कथा होता। 30 दिन के कथा में ये 5 दिन की कथा अभी तक हुई। हाँ, और अभी जो चल रहा है वो लगभग 99-90 दिन, यानी कि 3-3 दिन का जो एक दिन की कथा 3 दिन में हो रही है, क्योंकि इसको इतना समझा करके जो बता रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, हाँ जल्दी नहीं है, हम चलेंगे तो अपने इसी स्वभाव से। तो सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। अब विश्व विदिते एक कै कै देशु, सत्य के तू तह बसई नरेशु। तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं, और रविशंकर जी श्री प्रधान जी से कह रहे हैं। अब ये रविशंकर है, ये कौन है, अब इसका जो है कि अथाह व्यवस्था है, ये आप ही समझ सकते हैं। तो कोई बात नहीं, शरीर का नाम तो रविशंकर ही है। तो वही जो है प्रधान जी से कह रहे हैं कि वह पवित्र और प्राचीन कथा सुने जो शंकर जी पार्वती जी से कही थी। और संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है, जहां पर सत्यकेतु नाम का राजा रहा करते थे। और वो कैसे राजा रहे, कि धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, माने अब जो धर्म को ही नहीं धारण कर सकता तो उसका क्या जीवन है। तो वैसे सत्यकेतु राजा रहे, वो धर्म के धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, माने नीति
नीतियों की खान तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान थे। अते ही के भये जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। अब उनके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत ही हरि मर्दन नामा, भुजबल अतुल चल संग्रामा। तो कहते हैं कि राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था, और दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन रहा जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। तो भाई ही परम समिति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। अजेठे सुत ही राजन रिप दीना, हरहित आपु गवन बन कीना। कहते हैं कि भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों एवं छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। तो राजा ने जेठ पुत्र यानी प्रताप भानु को राज दे दिए और अपने भगवान का भजन करने के लिए वन की ओर चल दिए। ठीक है, तो देखिए सब कोई जा रहा है प्रभु, आज कलयुग में कोई नहीं जाता है लेकिन पहले जो धर्म धुरंधर रहे, क्योंकि नियम होता है कि जब चौथा अवस्था है तो उस समय सारा राजपाट दे करके जो कुछ भी है तपस्या करने के लिए लोग चले जाते हैं। तो जब प्रताप रवि भय हुनिप, फिर दोहाई देश प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अघलेश। यह बात अब आज आपको समझ में आएगा कि राजधर्म क्या होता है। आज राजधर्म का भी इसमें बहुत अच्छा वर्णन है कि जब प्रताप भानु राजा हुआ तब देश में उसकी दुहाई फिर गई, क्योंकि वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। मतलब वेद में जैसा राजधर्म बताया गया है उसी नीति से प्रजा का पालन प्रताप भानु जी करने लगे, और उनके राज्य में पाप कहीं भी लेस भी मात्र का नहीं रह गया। अब देखिए प्रताप भानु जी के राज्य में कहीं भी पाप होता ही नहीं था। देखिए, और आज अगर पाप इतना हो रहा है तो इसका मतलब वेद की नीति नहीं मानी जा रही है। समझ रहे हैं ना? तो प्रताप भानु जी के राज्य में कहीं पर लेस मात्र का भी पाप नहीं रहा। और निपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। असचिव सयान बंधु बल बीरा, आप प्रताप पुंज रन धीरा। कहते हैं राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उनका मंत्री था राजा का, और इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर रहा, राजा प्रताप भानु। तो सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। असेन बिलो की राउ हरसाना, अरुबाजे गह गए निशाना। तो साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धाएं थे जो सबके सब रणों में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। तो विजय हेतु कट कई बनाई,
सुदिन साधिन पे चले उबजाई, जहां तहां परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरी आई। तो कह रहे हैं कि दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चल दिए, माने विश्व विजय के लिए। तो जहां तहां बहुत सारी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिए। अब जब धर्म के रास्ते पे चलेंगे ना, तो आप सारा जो है कि सब कुछ हर जगह विजय प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो सप्तदीप भुज बल बस कीने, लय लय दंड छाड़ी नृप दीने, सकल अवनी मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु मही पाला। करें कि अपनी भुजाओं के बल से ओ राजा प्रताप भानु सातों दीपों यानी भूमि खंडों को बस में कर लिए, समझ रहे हैं। राजा प्रताप भानु वे अपने बल से जो सात भूमि के खंड है, जिसे सातों दीप हैं, तो उनको बस में कर लिए और राजाओं से दंड ले लेकर के उन्हें छोड़ दिया। राजाओं से दंड ले लेकर के उनको छोड़ दिए और संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु एकमात्र चक्रवर्ती राजा रहे। देखिए इतनी बड़ी व्यवस्था प्रताप भानु जी की रही। तो सबस विश्व करी बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेशु, अरथ धर्म का मादि सुख, से वही समय नरेशु। तो संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों को समय अनुसार सेवन करता रहे, ठीक है। तो भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई, सब दुख भर जीते प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। तो कह रहे हैं कि राजा प्रताप भानु का बल पा करके भूमि सुंदर माने कामधेनु की तरह यानी मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। अगर धर्म के रास्ते पे चलेंगे तो इतना अकाल दुकाल नहीं पड़ेगा। तो अब भूमि इतनी कामधेनु के समान हो गई और उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थे। उस समय सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा हुआ करते थे, समझ रहे हैं, माने धर्म के रास्ते पे चलने वाले हुआ करते थे। हरिओम हरिओम। उनके राज्य में सब पुरुष नर नारी ये धर्म के रास्ते पे चलने वाले हुआ करते थे। अब आज धर्म की स्थापना आप करेंगे तब न लोग चलेंगे। जी तो सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, निपहित हेतु सीखवनित नीति, गुरु सुर संत पीतर महि देवा, करै सदा नृप सबके सेवा। ध्यान दीजिएगा प्रभु प्रधान जी, ध्यान दीजिएगा कि धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। जो धर्म रुचि मंत्री रहे उनका श्री भगवान के चरणों में प्रेम था और वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। मंत्री जो है हमेशा अपने राजा को नीति, सच्चे सच्चे नीति जो है राजधर्म के, वो सिखाया करते थे। आज के मंत्री चापलूसी करते हैं, लेकिन उस समय जो धर्म रुचि नाम के मंत्री रहे वे प्रताप भानु को तमाम प्रकार के नीतियां सिखाया करते थे। हरिओम हरिओम। प्रधान जी देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा
कि मंत्री जो है वो तमाम प्रकार के नए नए नीतियों को सिखाया करते थे। जय श्री राम, जय श्री राम। राजा, गुरु, देवता, संत, पितृ और ब्राह्मण, ध्यान दीजिएगा, हाँ, गुरु, देवता, संत, पितृ और ब्राह्मण, संत भी हैं, इन सब की सेवा करता रहता था। हाँ, किसका किसका? गुरु, गुरु, देवता, संत, पितृ और ब्राह्मण। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने, दिन प्रति देई विविध विधि नाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। कते वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा प्रताप भानु जी सदा आदर पूर्वक और सुख मान करके उन सबका पालन किया करते थे और प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देते थे और उत्तम शास्त्र वेद व पुराण सुनते थे। तो आज के भी राजा आदि वेद पुराण शास्त्र को सुने, उनका अनुसरण करें तो बहुत अच्छे से राज कर सकते हैं। तो नाना बापी कूप चढ़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवारियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर और सभी तीर्थ बनवाए। ठीक है, माने ब्राह्मणों के लिए घर भी बनवाए। और आज यहाँ ब्राह्मण भटकता रहे, कोई नहीं सोचता, बल्कि सब उसे डांटते हैं कि ये कहाँ से टहल रहे हैं। समझ रहे हैं प्रभु? तो जहाँ लागी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र निप किए सहित अनुराग। तो वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किए। जितने यज्ञ करने चाहिए, तो राजा ने प्रत्येक यज्ञ को हजार हजार बार किए। ठीक है, तो हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। तो श्री प्रधान जी ध्यान दें कि राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। जय श्री राम, जय श्री राम। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था, और वह ज्ञानी राजा मन, कर्म और वाणी, हमेशा यह बात आती है, मन, कर्म और वाणी तीनों से जो कुछ भी धर्म कहता है वह सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके किया करते थे। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें, तभी वो धर्म की स्थापना हो सकती है, क्योंकि वो सभी वासुदेव जी को अर्पित करके यही सब किया करते रहे। ठीक है ना? तो चढ़ी बरबाजी बारे के राजा, मृगया कर सब साजी समाजा, अभिंध्या चल गभीर बन गयऊं, मृग पुनीत बहु मारत भयऊं। तो ध्यान दीजिएगा कि एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर के शिकार का सब सामान सजा करके विंध्याचल के घने जंगल में गया, और वहां पर उसने बहुत ही उत्तम उत्तम हिरण को जो है कि संहार किए। ठीक है, हरिओम हरिओम हरिओम। थोड़ा सा आप चेतना लाइए प्रभु। ठीक है, यह विंध्याचल के ही क्षेत्र से यह शरीर भी लौटा है।
तो वही बोल रहे हैं कि एक बार वह राजा वो विंध्याचल के जो है जंगल में जाकर के बहुत सारे उत्तम उत्तम हिरण का जो है कि वध करते हैं। तो फिरत बिपिन नृप दीख बराहू जनु बन दूरे उसिराहू बड़ विदु नहीं समात मुख मानी मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। तो राजा वन में फिरते हुए एक सुअर को देखे और दांतों के कारण वो ऐसा दिख पड़ता था कि मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुख में पकड़ लिया हो और राहु वन में आ छुपा हो। समझ रहे हैं? ऐसा जो है कि उसके दांत बड़े बड़े थे, अब लिख रहा लग रहा है कि चंद्रमा को उसने जो है कि पकड़ लिया हो, राहु वन में आकर के छुपा हो। तो चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं और मानो क्रोध के बस वह उसे उगलता भी नहीं है, ऐसा सुअर दिखता है राजा को। तो कोल कराल दसन छवि गाई तनु विशाल पीवर अधिकाई घुर घुरात हय आरव पाए चकित बिलोकत कान उठाए। तो यह तो सुअर भयानक दांतों की शोभा कही गई और इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था और घोड़े की आहट पा करके वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। क्या देख रहा है? कि नील मही धर शिखर सम देखी विशाल बराहु चपरी चले उहय सुटु की नृप हाँ किन होई निभाओ। तो नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देख करके राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब वो तेरा बचाव नहीं हो सकता है। तो आवत देखी अधिक रव बाजी चले उबराह मारुत गति भाजी तुरत कीन निप सर संधाना मही मिल गय उबी लोकत बाना। कर रहे हैं कि अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देख करके सुअर पवन भेग से भाग चला और राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पाण पर चढ़ाया और सुअर बाण देखते ही धरती में दुबक गया। तो तकी तकी तीरे महीस चलावा करी छल सुअर शरीर बचावा अप्रगटत दूरत दा जाई मृग भागा रिस बस भूप चले उसंग लागा। तो राजा तक तक करके तीर चलाता रहा परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता रहा। वह पशु कभी प्रकट होता कभी छिपता हुआ भागा जाता और राजा को भी अधिक क्रोध के बस में उसके साथ पीछे और लगा चला जाता रहा राजा प्रताप भानु जी। तो गय दूरी घन गहन बराहु जहना ही ने गजे बाजी निबाहु तो अति अकेले बन विपुल कलेशु तदपि न मृग मग तजै नरेशु। तो सुअर अधिक माने अधिक क्या बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़ा नहीं जा सकते रहे और राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश बहुत था दुख बहुत रहा। तो फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। तो कोल बिलो की भूप बड़ धीरा भागी पैठ गिरी गुहा गंभीरा अगम देखी नृप अति पछिताई फिरे उ महाबन परे उ भुलाई। तो राजा का बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भाग करके पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा और उसमें जाना कठिन देख करके राजा को बहुत पछता करके लौटना पड़ा। पर उस घोर वन में वो रास्ता भूल गए।
रास्ता अब राजा भूल जाते हैं तो खेद खिन्न छुदित त्रिषित राजा बाजी समेत अखोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भय हुआ चेत। तो बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गए। तो फिर तबिपने आश्रम एक देखा तहां बसन रिपति कपट मुनि वेशा अजासु देश रिपेलीन छड़ाई समर सेन सजी गयो पराई। तो देखिए कि वन में फिरते फिरते राजा ने एक आश्रम देखा और वहां पर कपट से मुनि का वेश बनाए हुए एक राजा रहता था। हाँ, वो कपट से अपना वेश बना लिया था। अब कहते हैं जिसका देश राजा प्रताप भानु छीन लिया था पहले और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था, माने कि उसके और राजा प्रताप भानु की कभी मुलाकात हुई नहीं थी। तो समय प्रताप भानु कर जानी आपन अति असमय अनुमानी गय न गृह मन बहुत गलानी मिलान राज ही नृप अभिमानी। तो प्रताप भानु का जब वो भाई धर्म के रास्ते पे चल रहा था तो उसका दिन बड़ा अच्छा रहा। तो प्रताप भानु का समय अच्छा जान करके और अपना कुसमय यानी बुरे दिन का अनुमान कर करके उसके मन में बड़ी ग्लानी हुई। इससे वह तो घर नहीं गया और न तो अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। तो रिसौर मारी रंक जिमी राजा विपिन बसई तापस के साजा अता सुसमीप गवन नृप कीना यह प्रताप रवि ते ही तब चीना। तो कहते हैं कि दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध मार कर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहने लगा। हाँ, और राजा प्रताप भानु उसी के पास चला जाता है और उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तो प्रताप भानु है। हाँ, वह कपट मुनि पहचान लिया। तो राउ त्रिषित नहीं सो पहचाना देखी सुवेश महा मुनि जाना। अब राजा प्यासा से व्याकुल होने के कारण वो तो पहचान नहीं सके और सुंदर वेश देख करके राजा ने उसे महामुनि समझ लिया। हाँ, यही आजकल हो रहा है कि सब कपटी मुनि खूब वेश बना करके रहते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि ये बहुत बड़े मुनि हैं। तो अब राजा भी वहां गलती हो गई प्रताप भानु से कि वो भी उसको महामुनि समझ लेते हैं और घोड़े से उतर करके उसे प्रणाम किए। उतरी तुरगते किन प्रणामा परम चतुर न कहे निज नामा। परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। राजा ये नहीं कहे कि मैं राजा प्रताप भानु हूं। तो भूपति त्रिषित बिलो की तेही सरबरु दीन देखाई अमाजन पान समेत है किन नृपति हरसाई। अब राजा को प्यासा देख करके अब वो कपट मुनि जो है कपटी मुनि वो तालाब को दिखला दिया और हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें जाकर के स्नान किया और जलपान किया। जी, तो गए श्रम सकल सुखी नृप भयउ निज आश्रम तापस ले गयउ और आसन दीन अस्त रवि जानी पुनि तापस बोले मृदु बानी। अब सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जान करके उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया।
हाँ, तो फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, क्या बोला कि को तुम कस बने फिरहूं अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। और पूछ रहा है कि तुम कौन हो, सुंदर युवक हो, जीवन की परवाह ना करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो, तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण देख करके मुझे दया आती है। तो नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा, फिरत हेरे परेऊ भुलाई, बड़े भाग देखे पद आई। तो राजा ने कहा कि हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है और मैं उनका मंत्री हूँ। अच्छा, अपना नाम नहीं, क्योंकि राजा हर जगह अपना नाम नहीं बताते हैं। अच्छा। तो बताया कि मैं अपना उनका मंत्री हूँ। हाँ। और शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। हाँ। बड़े भाग से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। अब ऐसा आप देखिए वो बोल रहे हैं राजा, क्योंकि भूल गए हैं, क्योंकि लोग जो है कि अच्छा वेश देख करके ना अब कहते हैं कि ये मूर्ख लोग होते हैं, अच्छा वेश देख करके भूल जाते हैं। हाँ। सोचते हैं कि ये बहुत बढ़िया मुनि होंगे, ज्ञानी होंगे। हाँ। लेकिन लोग वेश धारण किए हैं, ज्ञान वान कुछ है नहीं। तो हम कहां दुर्लभ है दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा, कह मुनि तात भयहु अधियारा, जो जन सतरी नगरु तुम्हारा। तब वो राजा बोल रहे हैं कि हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। ऐसा जो है राजा बोलते हैं। तो अब मुनि कपटी मुनि कहा कि हे तात, अंधेरा हो गया है और तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। अब उसको पता है, क्योंकि वो तो पहले का राजा रहा। अब वो बोल रहा है कि यहाँ से तुम्हारा नगर 70 योजन पर है। तो निशा घोर गंभीर बनो, पंथन सुनहु सुजान, अब बसहु आज वस जानी तुम, जाए हूँ हो तिहान। तो कहता है कि हे सुनो राजा, हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यही ठहर जाओ, सवेरे होते ही चले जाना। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जैसी होनी होती है वैसे ही सहायता मिल जाती है। भगवान की जैसी मर्जी है, जैसी होनियार होती है, आपको यह सब ज्ञान मिलने वाला होता रहा तो ऐसा जो है कि साथ मिल गया। वही कह रहे हैं कि तुलसी जैसी भवताव्यता, तैसी मिलई सहाय, आपुन आवई ताही पही, ताही तहां ले जाय। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो आप उसी के पास चले जाते हैं या तो वो स्वयं चला आता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो आप जाने के लायक नहीं है, इसलिए आप स्वयं चल करके यहाँ चले आए। देखिए बिल्कुल सफा सफा दिखाई दे रहा है। तो भले हूँ नाथ आये सुधरी सीसा, बाधि तुरग तरु बैठे महीसा, अनिप बहु भांति प्रशंसे उताही, चरण बांधी निजे भाग्य सराही। तो कह रहा है राजा प्रताप भानु, कह रहे हैं कि हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कह करके और उसकी आज्ञा सिर चढ़ा करके घोड़े को वृक्ष से बांध करके राजा बैठ गए। तो राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की
और उसके चरण की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की कि भाई अब लोग देखते हैं ना कि कहते हैं कि अरे आप तो बड़े तपस्वी हैं, मेरा बड़ा भाग्य है कि आपका दर्शन हुआ, वही सब राजा बोल रहे हैं। तो पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करहु डिटाई, मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निजे कहूं बखानी। तो और उसके बाद फिर बहुत कोमल वाणी से कहते हैं कि हे प्रभु, आपको पिता जानकर, अब उस कपटी मुनि को बोल रहे हैं कि मैं आपको पिता जानकर ढिठाई करता हूं, हे मुनीश्वर, मुझे आपने पुत्र और सेवक जान करके अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। ऐसा जो है ये राजा बोल रहे हैं। तो तेहिन जान निप निप ही सो जाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना, बैरी पुनि क्षत्रि पुनि राजा, छल बल की ने चहई निज काजा। राजा ने तो उसको नहीं पहचाना कपटी मुनि को, पर वह राजा को पहचान गया था। अब जिससे हारा हो उसकी उसको क्यों नहीं पहचानेगा। तो राजा तो शुद्ध हृदय वाला था और वह कपट करने में चतुर था। दूसरी ओर कपटी मुनि, एक तो बैरी फिर जाति का क्षत्रिय और उसके बाद फिर राजा, तो वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता है कपटी मुनि। तो समुझी राज सुख दुखित अराती, अवायन लई वे सुल गई छाती, असरल बचन निप के सुनिकाना, बयर संभारी हृदय हर साना। अब वह जो है शत्रु अपने राज सुख को समझ करके माने स्मरण करके दुखी था, किसी ने मेरा राज छीन लिया है, और उसकी छाती आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। और राजा के सरल वचन कान से सुन करके और अपने बैर को याद करके वह हृदय में हर्षित होता है कि अच्छा बेटा आज मिले हो तुम। तो कपट बोरी बानी मृदुल, बोले उ जुगुति समेत कि नाम हमार भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। तो वह कपट में डुबो कर बड़े युक्ति के साथ कोमल बाड़ी में बोलता है कपटी मुनि, क्या कि मेरा नाम तो भिखारी है, हाँ, क्योंकि हम निर्धन है और अनिकेत यानी घर द्वारहीन है। तो कह नृप जे भी ज्ञान निधाना, तुम सारी खे गलित अभिमाना, असदा रही अपनपो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। तो राजा ने कहा कि जो आपके सदृश विद्वान माने विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं। ध्यान दीजिए कि हर किसी से सारी बातें नहीं करते जो विद्वान लोग होते हैं। तो अब राजा यहाँ पर जो है कि अब वो मोह के बस में पड़ रहा है, तो वो बोल रहा है कि अरे आप तो जो है विद्वान हैं, आप लोग अभिमान से रहित होते हैं इसलिए अपने आप को छिपाए रहते हैं, इसीलिए जंगल में रह रहे हैं। अब उनको क्या पता है कि इसका राज मैंने ले लिया है। और कह रहे हैं कि क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब प्रकार का कल्याण है, अगर बहुत अच्छा ये सब जो है ना जिसे पाखंड सब चला रहे हैं, तो अब विद्वान आदमी धीरे से बता देगा कि ये सब जो है लोभ के जो भाड़े के नौकर हैं, तो उनका जो है कि वो छूट जाएगा। इसलिए जो ज्ञानी मुनि होते हैं ना, वो इसी प्रकार से फटा पुराना कुछ भी पहन करके टहलते रहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर वो अलग है, उसका तो राज चला गया है, उसके तो अंदर आवा की अग्नि जल रही है, लेकिन राजा उसको ऐसा बोल रहे हैं कि आप लोग तो ऐसे ही छिपे रहते हैं क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरीके का कल्याण है।
और प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए जो सच्चे संत होते हैं वे अपना ऐसे ही छुप करके रहते, कुछ बोलते नहीं। तो तेहिते कहीं संत श्रुति तेरे परम किंचन प्रिय हरि के रे, अथुम समय अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंची सी वही संदेहा। कहते इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि जो परम अकिंचन यानी सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित जो होते हैं वही भगवान को प्रिय होते हैं। माने अब जिसके अंदर अहंकार ममता और अभिमान है वो भगवान को थोड़ा प्रिय होगा। हाँ तो कह रहे हैं कि आप सरीखे, अब भगवान, अब वो देखिए वो ऐसा मुंह से बोल रहा है कपटी मुनि कि राजा बोल रहे हैं उसी कपटी मुनि को कि आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा शंकर जी को भी संदेह हो जाता है कि ये वास्तविक संत है या भिखारी। जी तो जोशी सोशी तवे चरण नमामि, मो पर कृपा करिए अब स्वामी। अब उसको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़े विद्वान है, कपटी मुनि के अब चंगुल में फंस रहे हैं राजा। असहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। अब राजा कह रहे हैं कि आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। अब राजा कपटी मुनि के चरणों में नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति को देख करके और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देख करके अब कपटी मुनि क्या कर रहा है कि सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले वो अधिक स्नेह जनाई, कि सुनि सती भाऊ कहूं महिपाला, यहां बसत बीते बहु काला। तो सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके और अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी तपस्वी बोला कि हे राजन सुनो। अब बोल दिया सीधे कि हे राजन सुनो कि मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मुझे यहां रहते हुए बहुत समय बीत गया, झूठ है। तो अब लगी मोही न मिले उको, मैं न जनावू काहू, अलोक मान्यता यानल सम कर तप कानन दाहू। तो देखिएगा कि अब तक वो बोल रहा है कि ना तो मुझसे कोई मिला और ना तो मैंने किसी को अपने आप प्रकट किया, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तो ध्यान दीजिएगा, अब इस समय आपको बहुत चित्त को स्थिर करके एक बात समझ लीजिए प्रभु यहीं पर। हाँ, क्योंकि आप भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, इसलिए इस बात को समझा दे रहा हूं। मेरा तो खैर बहुत अलग व्यवस्था है, बहुत अलग है कि अर्थ है कि बहुत सारा लक्ष्मण जी का, शंकर जी का, राम जी का सारा काम करके वही देखे लोटा लेकर के एक तो निकला, आप जानते ही हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसी देखी सुबेशु, भूल ही मूढ़ न चतुर नर, असुंदर के की पे खुबचन सुधा सम असन यही। अब जो आप लोग बिल्कुल जो है कि मूर्खों की तरह, क्षमा करिएगा, लेकिन ये जितना पाखंड देख रहे हैं संसार में, देख रहा। सब लोग खूब अपना बढ़िया बढ़िया जो है कुर्ता पजामा और साफा डाल करके चंदन लगा के पंडित दिख रहे हैं। हाँ, तो तुलसीदास जी सीधे सीधे कह रहे हैं कि सुंदर वेश देखकर जो मूढ़ नहीं है, माने मूढ़ तो मूढ़ ही है,
अब सुंदर वेश से तो कोई विद्वान नहीं बन जाएगा, वेश तो देख करके तो बोलते हैं कि चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं प्रभु। तो आप लोग धोखा खा रहे थे अभी तक, या जो संसार में देख रहे हैं कि ये बड़े पंडित है, ये है वो है, कुछ नहीं है। सुंदर वेश को देख करके चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि सुंदर मोर को देखो तो उसका वचन तो अमृत के समान है, लेकिन वो आहार करता है सांप का। हाँ, तो ऐसे ही है, ऐसे ही है ये सब पंडित लोग जो कि दिखाते अपने आप को बहुत अच्छा वेश वाले, और पता चलता है कि वो यजमान का जो है कि पत्ता साफ कर देते हैं। तो मूड ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपको जो है इतना ज्ञानी हो जाना चाहिए कि किसी के वेश को देख करके आप, हाँ, क्योंकि उस दिन जब आप कहे कि वो 35 लाख मांग रहा था, तभी मेरा मन ऐसा हुआ कि अरे आप कैसे कैसे पाखंडियों के बीच में पड़ गए। एकदम जरूरत नहीं है। जो पैसा लेता वो तो लोभी का जो है, लोभ के मालिक, क्या कहते हैं, लोभ के भाड़े का नौकर हो गया ना। कलयुग का मल है लोभ, और जो लोभ को लिए ज्यादा पैसे की मांग करता है वह उसके भाड़े का नौकर हो गया। हाँ, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, पैसे उसे कोई जरूरत नहीं है। तो कोई बात नहीं, तो कहते हैं कि चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। कहते हैं इनका बड़ा नाम है, ये है वो है, कुछ नहीं नाम है। देखना चाहिए कि अंतःकरण से आदमी का कैसा स्वभाव है। जी, समझ में आ गई ये बात? हाँ, अब धोखा मत खाइएगा कभी। तो ताते गुपुते रहो जग माही, हरित जी की मपी प्रयोजन नाही। अब कपटी मुनि क्या बोल रहा है? अब वो सबको ये सब बात पता है, तो वो कह रहा है कि इसलिए मैं हमेशा जगत में घूमा फिरा नहीं, मैं गुप्त रहा, क्योंकि हमको भगवान को छोड़कर के कोई प्रयोजन मेरा नहीं है। तो प्रभु जानते सब भी नहीं जनाए, कहूं कौनी सीधी लोक रिझाए। तो बता रहा है कि प्रभु तो बिना जनाए ही सब जान जाते हैं, तो फिर कहो संसार में रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तो तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति पर प्रतीति मोहि पर तोरे। अब तो ताते अब जौ ताते दुरावौ तो ही, दारुण दोष घटहि अति मोहि। तो देखिए कि अब वो पाखंडी मुनि क्या कह रहा है राजा को, कि तुम पवित्र हो, सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही अधिक प्यारे हो। हाँ, उसका राज छीन गया, अंदर में उसके हवा की आग लग रही है, लेकिन मीठा मीठा खूब बोल रहा है मोर की तरह, और कह रहा है कि तुम्हारी मुझ पर प्रेम और विश्वास भी है। तो हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे भयानक दोष लगेगा। तो जिमि जिमि तापुस कथई उदासा, तिमि तिमि निपही उपज विश्वासा। देखा स्वब से कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। तो अब ज्यो ज्यो तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता चला गया। हाँ, जैसे ही लोग फंसाते नहीं है, हाँ, तो वैसे ही वो उसको विश्वास उत्पन्न होता चला गया। जब वह बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा के कर्म मन और वचन से अपने बस में जान लिया, तब क्या बोलता है, ध्यान दीजिए, कि नाम हमारे एक तनु भाई, सुन निप बोले पुनि सिरुनाई। कि कहूं नाम करे अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। तो क्या बोल रहा है कि जब देखा कि राजा हमारे बाणी के बस में हो गया, तब बोल रहा है कि हे भाई, मेरा नाम एक तनु है, एक तनु है। यह सुनकर राजा फिर सिर को झुकाकर बोलते कि मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जान करके अपने नाम का अर्थ समझा करके कहिए कि आपका ये नाम एक तनु है, इसका मतलब क्या है। तो आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी,
नाम एक तेनु है तू तेही देह न धरी बहोरी। अब कपटी मुनि कह रहा है कि जब से पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई है, हाँ, और तब से मैंने फिर दूसरा देह नहीं धारण की, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। इसलिए मेरा नाम एक तनु है, मतलब वो अपना जब देख लिया कि राजा बस में हो गया है तो इस प्रकार की बात वो बताता है, ठीक है ना। तो जनिया चर झुक रहु मन माही, सुत तप तेग दूर लभ कछु नाही। और कह रहा है कि हे पुत्र मन में आश्चर्य मत करो, तपस्या से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, समझ रहे हैं। अब वो कपटी मुनि अपना दे रहा है, ढोलका पीट रहा है कि तप बल ते जग सृजई विधाता, अतप बल विष्णु भये परित्राता। वो बोल रहा है कि तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं, तपस्या के बल से ही विष्णु संहार का संहार करते हैं, और अरे सॉरी, तप तपस्या के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले हैं, और तप बल शंभु कर ही संघारा, तप से अगमन कछु संसारा। और करे तपस्या के बल से ही शंकर जी संहार करते हैं रुद्र रूप में, और संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तपस्या से न मिल सके। तो भयहु नृप ही सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सोलागा। अब यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ, माने प्रेम होने लगा उनके अंदर कपटी मुनि के लिए। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा कि कर्म धर्म इति हास्य अनेका, करै निरूपण विरति विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहेसी अमित आचरज बखानी। तब प्रधान जी, तब कर्म धर्म और अनेकों प्रकार की इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा कपटी मुनि, और सृष्टि की उत्पत्ति पालन और संहार की अपार और आश्चर्य भरी कथाएं वह विस्तार से पूरा राजा को सुनाया। सुनाया तो सुनि मुनि तापस बस भयहु, आपन नाम कहन तब लयहु। अब मुनि की बाणी सुन करके, जो कपटी मुनि है, अब उसकी बाणी सुन करके वो अपना काम, वो राजा अपना नाम कहने के लिए कुछ सोचे, अपना नाम बताने लगे। तो कहता पस निप जानऊ तो ही, किन्नेहू कपट लाग भल मोही। तो नाम कहने भी नहीं दिया, क्योंकि वो कपटी मुनि तो जानता है कि ये राजा प्रताप भानु है, समझ रहे हैं। हाँ, तो कहने भी नहीं दिया, और तपस्वी ने कहा कि हे राजन, मैं तुमको जानता हूं, तुमने कपट किया, मुझे अच्छा लगा, जो अपना नाम नहीं बताया मुझे पहले, ये अच्छा लगा। क्यों? कि सुनु मही सयति नीति जहां, तहा नाम न कहीं निप, अमोहि तो ही परे अति प्रीति, सोई चतुरता बिचारी तब। वो कपटी मुनि कहता है कि हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते, तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया, समझ रहे हैं। हरिओम हरिओम। प्रधान जी, वह कपटी मुनि क्या कह रहा है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते, तुमने वो जो चतुराई से अपना नाम नहीं बताया, तो यह जान करके मुझे तुमसे बड़ा प्रेम हो गया है। तो फिर वो कपटी मुनि स्वयं बोल रहा है कि नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा, सत्य के तू तव पिता नरेशा। बता रहा है कि तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, तुम महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता रहे। और फिर कहता है
कि गुरु प्रसाद सब जानिए राजा कहिए न आपने जानिए काजा। कहता है राजन गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं हूँ। अब वो क्यों बताएगा अपनी बात कि मैं आपसे हार गया हूँ, वो अपना कपटी वो दिखा रहा है कि देखी तात तब सहज सुधाई प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई उपज परी ममता मन मोरे कहूं कथा निजे पूछे तोरे। कहता है तात तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन यानी सरलता प्रेम विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब अपनी कथा क्या बता रहा है कि अब प्रसन्न मैं संशय नाही मांगू जो भूप भाव मन माही। कहता है कपटी मुनि कि अब मैं प्रसन्न हूँ, कहता है कि अब मैं प्रसन्न हूँ कि राजन अब मैं प्रसन्न हूँ मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। हाँ। तो सुनि सुबचन भूपति हरसाना गही पद विनय कीन विधि नाना। तो राजा प्रसन्न होकर के हर्षित हो गया, मतलब वो वाणी सुनकर के हर्षित हो गया और पैर पकड़ के विनती की कि कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे चारी पदारथ कर तल मोरे। अब प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी मांगी अगम बर हो हूं अशोकी। तो अब राजा बोल रहे कि हे दया के सागर मुनि, देखिए जब कपटी मुनि के बस में हो जाता है आदमी तो ऐसे ही बात करता है। कहता है कि आपके दर्शन से जो चारों पदार्थ हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष वो तो मेरी मुट्ठी में आ गए, तो भी स्वामी प्रसन्न देख करके यह दुर्लभ वर मांग करके शोक रहित क्यों न हो जाऊं कि जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जनी को एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। तो कहता है कि मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए कि मैं कभी वृद्ध न हूं, मैं कभी न मरूं, मुझे कोई रोग शोक न हो और मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर 100 कल्प तक मैं राज करूं अकंटक राज करूं। तो कहता पसंद ऐसे ही हो कारण एक कठिन सुनु सो अकाल तू पद नाही सीसा एक विप्र कुल छाड़ी महीसा। तो तपस्वी वही कहा कि हे राजन ऐसा ही हो पर एक बात कठिन है उसे भी सुन लो कि हे इस पृथ्वी के स्वामी, ये पृथ्वी के स्वामी केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर, देखिए पृथ्वी के स्वामी वो ब्राह्मण का कुल है और मैं आपको वही बात समझाता हूँ कि सिर्फ ब्राह्मण कुल से द्रोह न करिए। हाँ तो वो बात तो सत्य है लेकिन अब सत्य बात को जब कोई कपटी मुनि भी जान लेता तो उसका प्रयोग करता है और यहाँ पर तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो करा केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में शीश नवाएगा। क्यों? क्योंकि तप बल भी प्रसदा बरियारा तिनके कोपन को रखवारा जो भी प्रण बस करहु नरेसा तो तू बस विधि विष्णु महेशा। वो करे कि हे नरपति हे राजन यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। वो कपटी मुनि ऐसा बोल रहा है यदि ब्राह्मण को बस में कर लो तो चल न ब्रह्म कुल सन बरियाई सत्य कहो दो भुजा उठाई। कहता है ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठा करके सत्य कह रहा हूं। तो हे राजन विप्रसाप बिनु सुनु मही पाला तोर नाश नहीं कवन हूं काला।
कहता है कि ब्राह्मणों के साप के बिना तुम्हारा नाश किसी भी काल में नहीं होगा। तो हर से उराव बचन सुनितासु नाथन होई मोरे अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निदाना मोकहु सर्व काल कल्याणा। तो राजा उसके वचन सुन करके बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी मेरा नाश अब न हो, हे कृपा निधान प्रभु अपनी कृपा से मेरा सब कल्याण, आपके कृपा से ही मेरा सब कल्याण होगा। तो एवं अस्तु कही कपट मुनि बोला कुटिल बहोई कि मिलब हमारे भुलाब निज कहू न हम ही न खोरी। तो कपट मुनि ऐसा ही हो ऐसा कह करके फिर बोला कि तुम मेरे मिलने का और अपनी राह भूल जाने की बात किसी से नहीं कहना। तो हमारा अगर कह दोगे तो सब नाश हो जाएगा। तो अब इस बात से आप समझ लीजिए कि जब कोई व्यक्ति आपसे यह बात कहे कि हम आपसे मिले थे, यह बात आप किसी से मत कहिएगा, तो आप उसी समय समझ जाइएगा कि ये कपटी आदमी होगा। ये ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, लेकिन अब राजा थोड़ा मोह के बस में हो गए हैं, इसलिए उनको यह बात नहीं समझ में आया। तो ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा कहे कथा तब परम काजा छठे श्रवण यह परत कहानी नास तुम्हार सत्य मम बानी। ये कह रहा कि हे राजन मैं तुमको इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी, छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा, मेरा यह वचन सत्य जानना, क्योंकि यह कपटी मुनि है तो यह ऐसा बात कह रहा है। तो यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा नास तोर सुनु भानु प्रतापा। तो आन उपाय निधन तव नाही जो हरि हर को पही मन माही। कहता है प्रताप भानु सुनो, इस बात को प्रकट करने या ब्राह्मण के श्राप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा शंकर भी मन में क्रोध करे तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो सत्यनाथ पद गहिनी पे भाखा द्विज गुर को पे कहो को राखा राखई गुरु जो कोप विधाता गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। कहता है कि हे राजा, राजा ने मुनि को चरण पकड़ कहा, हे स्वामी सत्य ही है। अब उसको वो इसी बात को सत्य समझ लेते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है, यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई बचाने वाला नहीं है। तो जौ न चलब हम कहे तुम्हारे हो नाश नहीं सोचे हमारे। तो कहता है कि यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए। एक ही डर डर पत मन मोरा प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। तो कहता है कि मुझे एक ही चिंता है कि मेरा मन तो है प्रभु केवल एक ही बात से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। तो हो ही भी प्रभस कवन विधि कहूं कृपा करिसो तुम तजी दीन दयाल निज ही तू न देखो को। तो राजा पूछ रहा है कि वे ब्राह्मण किस प्रकार बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीनदयाल आप सब आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता हूं। अब देखिए राजा पूरा बस में हो गया है। तो सुनु निप विविध जय तन जग माही कष्ट साध्य पुनि हो ही कि नाही अहीं एक अति सुगम उपाऊ तहां परंतु एक कठिनाई। तपस्वी कहता है
कपट मुनि कि हे राजन सुनो, संसार में तो उपाय बहुत है पर वे कष्ट साध्य है, माने बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, मुझे एक उपाय बहुत सहज यानी सरल दिखाई दे रहा है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है कि मम अधीन जुगु तीन रिप सोई, मोर जाब तब नगर न होई, आजु लगे अरु जब ते भयहू, काहू के गृह ग्राम न गयहू। कह रहा है राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव गया ही नहीं। तो जौ न जाऊं तब होई अकाजू, बना आई अस मंजस आजू, असुनी मही से बोले उमृदु बानी, नाथ निगम ऐसी नीति बखानी। तो कह रहे कि परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा बड़ा काम बिगड़ता है, आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल बाड़ी से बोलता है कि हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, अगिर निज सिर निस दात्री ने धरही, जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धर निधरत सिर रेनु। वो कर है राजा कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण यानी घास को धारण किए रहते हैं, अगाह समुन्दर अपने मस्तक पर फेन को धारण करते हैं, और धरती सिर पे सदा धूली को धारण करती है। तो अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो हूं कृपाल, मोहि लागी दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। तो ऐसा कह करके राजा मुनि के चरण पकड़ लिए और कहे कि हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं दयालु हैं, हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। अब समझ रहे हैं, अब ये छल कर रहा है और अब ये आ करके जितना कपट करेगा आगे, इसको कहने में तो अभी कम से कम समय तो लगेगा, अगर कहिए तो मैं चार पांच दुहा और कहूँ। क्या टाइम हो गया? अभी तो सवा पांच हो रहा है। तो अब यह जो है कि समझिएगा कि एक कपटी मुनि है, राजा बस में हो चुके हैं, अब आगे यह कपट का क्या कहानी करता है, अब ये जो भी करेगा उससे वो राजा का नाश ही होगा, समझ रहे हैं। इसलिए कपटी लोगों के बाड़ी के बारे में ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव।